हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारी फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है, कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए, और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उनको उनपे भी उन्होंने, जितने भी वो लोग थे, अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कॉन्टैक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है, 3,000 से 4,000 तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ, उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहां की चेयर्स, वहां का फैन सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए, और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गाइनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी, टोटली इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचे। ईएनटी वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कम्प्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा, हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत, जो भी हम लोगों ने किया था, सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है?